मामला राजपुरा का है, जहां झंडा ग्राउंड के नजदीक शिव शक्ति मटेरियल की दुकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोर दुकान से पीतल की टूटियों समेत लाखों का सामान चोरी कर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि चोरों ने सीढ़ियों की मदद से दुकान के ऊपर चढ़कर तीसरी मंजिल के दरवाजे का लॉक तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और लाखों का नुकसान कर दिया। फिलहाल दुकान मालिक द्वारा पुलिस कंप्लेंट कर दी गई है, पर डेढ़ घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंची और दुकान का जायजा लिया और फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। दुकान मालिक ने चोरों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की पुलिस से मांग की है, ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो। चोर तो बारो तो आए सीधे तो आए नहीं, शेड नवा पे नाली उधर पौड़ी लग के परसों शेड ਉਧਰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੁਸੀਂ? 9 ਵਜੇ ਖੋਲੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ? ਸਰ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, 9 ਵਜੇ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ, 10:30 ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਐਸ਼ੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਪਰਾ ਜੀ ਆਏ, ਐਸ਼ੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰਬਾ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮੰਗਣਾ ਜੀ? ਵੀ ਚੋਰ ਫੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਚੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸਰ। आए दिन इलाके में कोई ना कोई चोरी की वारदात होती है और हल कोई नहीं निकाला जाता, और अगर निकाला भी जाता है तो चोरों को पकड़कर एक दिन के बाद छोड़ दिया जाता है, जिससे चोरों के हौसले और भी बुलंद होते हैं। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि कब जागेंगे हमारे देश के रखवाले अपनी कुंभकर्णी नींद से, और आम जन को कब मिलेगी इन चोरों से राहत। राजपुरा से दया सिंह की रिपोर्ट, एक्शन पंजाब वेब न्यूज।